रही बात, मैं उम्मीदवार कल भी था, आज भी हूं, और अभी तक मैंने फैसला नहीं किया कि मैं माधा हूं, क्या रिवर्स हो गया हूं। धुलिया लोकसभा 20 मई को जो इलेक्शन होने जा रहा है लोकसभा का, उसका पूरा जायजा लिया गया और मशवरा किया गया। तमाम ही अहदेदारान ने, जिम्मेदारान ने अपनी अपनी बातों को रखा, मशवरा दिया और तजवीज़ पास की गई है। वो तजवीज़ शरद पवार साहब के पास, जयंत पाटिल साहब के पास भेजी जाएगी। एक राय से ये बात तय हुई है, मालेगांव सेंट्रल असेंबली हलका हो या बाह्य असेंबली हलका हो, जहां जहां भी हमारी अपनी पार्टी के कॉर्पोरेटर चुनकर आए थे, जो आज भी हमारे साथ है, कल भी हमारे साथ थे, वहां वहां पर अगर यह फैसला होता है कि इंडिया अगाड़ी के उम्मीदवार का काम करना है, अगर फैसला होता है तो वहां पर कमांड जिम्मेदारी हम लोग संभालेंगे। और अगर MIM का उम्मीदवार यहां से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ता है, चाहे कोई भी लड़े, वहां पर जहां सेकंड नंबर पर जो आज हमारे साथ हमारे हारे हुए उम्मीदवार है, वहां वहां पर भी लीड, वहां वहां भी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। इस तरीके की तजवीज पास की गई, ये शरायत ऊपर भेजी जाएगी। नंबर एक, नंबर दो, वर्करों की और जिम्मेदारान की ये राय आई है कि पार्लियामेंट का सीट जो है कांग्रेस पार्टी को छूट चुकी है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अगर काम हमको पार्लियामेंट में कांग्रेस के उम्मीदवार को करना ही है, तो 6 महीने के बाद असेंबली का चुनाव है, तो क्यों ना शरद पवार साहब और जयंत पाटिल साहब से ये बात उनके पास तजवीज भेजी जाए कि कांग्रेस पार्टी से आप ऊपर के लेवल के ऊपर ये बात तय कर ले कि आइंदा असेंबली की सीट शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की होगी, वो तय कर ले और हम लोगों को यकीन दिला दे। ये दो तजवीज पास करके भेजी गई है और उसके ऊपर जो भी फैसला आएगा, तो इंशाल्लाह ईद बाद फिर एक मरतबा पूरे वर्करों की, जिम्मेदारों की, अहदेदारों की मीटिंग ली जाएगी और उस मीटिंग के अंदर आज की तजवीज जो पास की उसके अंदर क्या हुआ उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और उसके बाद आइंदा का फैसले का ऐलान किया जाएगा। आज की मीटिंग के अंदर ये फैसले हुए हैं। नंबर तीन, मैं उम्मीदवार, लोकसभा का उम्मीदवार, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार था, आज भी हूं, जब तक पार्टी के हाई लेवल लीडरान से, आला कमान से ये तजावीज पे बातचीत नहीं हो जाती, जब तक मैं उम्मीदवार हूं। और जहां पर हमारे वर्करों की राय पर अगर इत्तेफाक आला कमान ने कर दे, तो उसके बाद मीटिंग लेकर और उसके बाद ऐलान करके और झंडा लेकर और उम्मीदवार जो होगा इंडिया अगाड़ी का, वो हमारे पीछे और भाजपा से लड़ने के लिए सबसे आगे हम लोग होंगे। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर एक मीटिंग बुलाकर इस बात का ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहेगा तो हमी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे कि अपना अलग अलग काम करेंगे? आप हमारी बात ही नहीं सुने, आपने तजवीज आप पहले समझ लो। तजवीज ये है कि हम लोग हमारे बलबूते पर टीम वर्क कमांड हर वार्ड के अंदर हमारे अपने पास होगी, जहां हमारे वर्कर है, जहां हमारे एक्स कॉर्पोरेटर है, जहां हमारे कॉर्पोरेटर है, जहां हम दो नंबर पे थे, जहां जहां भी होंगे वहां पर लीड हम करेंगे। हम मेहमान है, मेजबान नहीं है। तो हम ये तजवीज हमने भेजी है और इसी के ऊपर उम्मीदवार से बात की जाएगी। और आप जानते हैं, अगर मान लीजिए कि MIM को उम्मीदवार मैदान में आ गया, तो शहर जानता है, आप जानते हैं कि ताकत भाजपा से लड़ने की शहर में किसके पास होगी, ये आप लोग समझ सकते हैं। आपके करीबी हरीफ मुफ्ती इस्माइल भी जो है कांग्रेस से ख्वाहिशमंद है,
अगर उनको टिकट मिल गया तो आप लोग काम करेंगे? मतलब आपके करीबी हरीफ मुफ्ती इस्माइल ने भी जो है एक मौके पर कहा कि कांग्रेस जो है उनसे रास्ते में, उनको पार्लियामेंट का टिकट दे सकती है। अगर मान लीजिए मुफ्ती इस्माइल को टिकट मिल गया तो आप उनका काम करोगे? फिलहाल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब उमरा पे है, उनको उमरे की मुबारकबाद। मैंने फोटो देखा व्हाट्सएप के ऊपर जोर से चल रहा है, तो उनको मुबारक। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का अगर टिकट मिलता है तो उसके लिए भी नेक ख्वाहिशात, मुबारकबाद। लेकिन इधर कांग्रेस पार्टी का ऐलान होने से पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने MIM के MLA शिप से इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद हम लोग इंडिया गठबंधन का धर्म निभाने का मैं ऐलान करूंगा। ओके okay।